तो ऐसे ही एक शख्स यहाँ पे मौजूद है और मैं हमेशा, मेरे जो सभी जानने वाले शायद उनके नाम से परिचित हैं, हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहे बतौर एज अ बड़े भाई की तरह से, एक गार्जियन की तरह से, और मुझे जब जब भी उनकी ज़रूरत महसूस हुई हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया और हमेशा मेरा उत्साहवर्धन किया। और मैं बस यही कह सकूँगा कि आई कांट रीपे उनका जितनी भी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रही हैं, ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई श्री पुरुषोत्तम त्रिपुरी जी। और मैं आज एक छोटा सा इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूँ, ये ऑफ द रिकॉर्ड सी मानेगा। एक बार बहुत छोटी सी प्रॉब्लम आई मुझे और मैंने कहा सर मुझे दिक्कत है, तो एक ब्यूरोक्रेट्स के और एक बोलते हैं रॉयल ब्यूरोक्रेट्स के साथ आपके ऐसे संबंध जो आपके साथ तन मन और धन से खड़े हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत एक ब्लेस होता है ऊपर वाले का। तो सर से मैंने कुछ पैसे लिए थे तो उसमें से वापस करके और कुछ मैंने रख लिया। मैंने कहा सर ये पैसे मैं तब वापस करूँगा आपको जब मेरी फिल्म रिलीज होगी पहली। और इस घटना को ये 2004 की है जब इस फिल्म का हम लोग ऐसे ही माइंड में घूम रहा था तब मैंने सर से पैसे लिए थे। मैंने कहा ये पैसे आपको तब वापस करूँगा, आपकी ब्लेसिंग्स हैं मेरे पास में जब मेरी फिल्म रिलीज होगी। तो मेरे ऐसे घनिष्ठ संबंध रहे हैं सर से और मैं क्या कहूँ उनकी ब्लेसिंग्स या उनके सपोर्ट के लिए। बट अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर, और मेरी बड़े बड़ा मन था कि आप आज यहाँ पे रहें और आज आप, क्योंकि आज तो आपकी आपको ऑफिस टाइम भी था लेकिन आप यहाँ पे आए तो आई एम वेरी ऑब्लिज्ड। और उसके बाद मेरा बहुत हार्दिक धन्यवाद सभी लोगों को जिन्होंने इस मूवी को बनाने में मेरा साथ दिया और जिनका सहयोग रहा। डेफिनेटली बात तो गृह मंत्री साहब से शुरू होती है, तो रितु ने बहुत कोऑपरेट किया इस फिल्म के स्टार्ट करने के जब मैंने बात की। फिर हमारे प्रोड्यूसर्स डॉक्टर प्रतिमा तोतला, वो अभी नहीं आ पाई आज, मिस अभिभाव तोमर रास्ते में है। और जब ये फिल्म कंप्लीट हो गई तो मुझे कंप्लीशन के बाद पता लगा कि देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू कंप्लीट। तो मैंने फिर आई आस्क्ड टू माई अनदर प्रोड्यूसर श्री रामपुरी जी, मैंने कहा कि भैया ये फिल्म अब रेडी है और अब रिलीज़ करना है इसको। तो शायद ऐसे इंसिडेंट बहुत कम होते हैं जीवन में, बिकॉज मैं कोई लीग का डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं ऑन स्टेज बहुत काम करता हूँ और फ्रंट फुट पे खेलते हैं हम लोग। तो मैं शायद जीवन में पहली बार ऐसा इंसिडेंट शायद मेरे साथ हुआ होगा जब किसी प्रोड्यूसर ने ना तो आपका सब्जेक्ट सुना, ना आपकी फिल्म की एक भी फोटो देखे, शायद कोई पोस्टर उसने जरूर देख ली होगी मेरी फेसबुक पे, ना कुछ देखा। उन्होंने कहा ठीक है, ओके ठीक है, क्या बात है, अब क्या करना है तुम्हें, अब तो बस रिलीज करनी है, तो चलो रिलीज करते हैं। एंड ही इज विद अस। तो मैं एक बार बहुत मैं सुना था उसके यहाँ पर।
ये सब तो आप जानते हो कि बहुत सारी बातें आज का यूट्यूब में भी आगे की बन जाएगा, बहुत सारी प्रेस कवरेज कर दिया कुछ तो कुछ कर पोस्ट किसी की गाली सेंसर में कोई किसी के सामने सामना नहीं कर रहा और सबसे बड़ी बात होप कि बाय टुमारो डे आफ्टर लाइफ कभी हम पुष्कर भाई सर निशंत सर मनोज भाई निवेदिता 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 नीचे आओ। हाँ मैंने सब गाया गाने एक गाना संतोष सिंह के लिए गाया साथ ही एक ईश्वर ग्रुप जी के साथ गाया ये सॉन्ग मैंने ऐसे बना लिया अपना फिल्म में गाने नहीं फिल्म में केवल एक शुरू होते हैं God bless you. Very good. Thank you. Next.